हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कविता। स्वागत है आप सभी को परिस लिटिल गार्डन में। आज हम बात करेंगे इम्पेशंस प्लांट के बारे में। इंडिया में इसे विंटर में लगाया जाता है। इस प्लांट को सीड्स और कटिंग दोनों से ही प्रोपोगेट किया जाता है। मैंने इस प्लांट को कटिंग के थ्रू ही प्रोपोगेट किया था, जो कि 2 महीने में ये फ्लावरिंग में आ गया। देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है ये प्लांट। आपके यहाँ पेरिनियल भी बन सकता है। वैसे तो ये एनुअल है। अगर आप समर टाइम में ज़्यादा केयर करके रखोगे तो ये आपके यहाँ पेरिनियल बन जाता है। सॉइल की बात करें तो इस प्लांट को वेल्ड्रन सॉइल और मॉस्ट सॉइल पसंद है। सॉइल मीडिया गार्डन सॉइल 70%, सैंड 20%, कोकोपीट 10% लेकर आप अगर बनाओगे तो ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता है। इंसेक्ट की बात करें तो इस प्लांट को स्पाइडर माइट्स और मिलीबग्स के ज़्यादा अफेक्ट होता है। इसके अफेक्ट होने से आप नीम ऑयल और सोप वाटर स्प्रे करके इसको ठीक कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र की बात करें तो इस प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। इसे बस महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट दे दोगे तो अच्छे से ग्रोथ करता है। सनलाइट की बात करें तो ज़्यादातर विंटर प्लांट्स को सनलाइट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन ये एक ऐसा प्लांट है जो शेडी एरिया में भी फ्लावरिंग करता है। तो ये प्लांट उन लोगों के लिए है जिनके बालकोनी और गार्डन वगैरह में सनलाइट की ज़्यादा मतलब सनलाइट ज़्यादा नहीं आता है, तो ये प्लांट उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ये ब्राइट लाइट और शेडी एरिया में भी अच्छे से ग्रो करता है। जिन लोगों के बालकोनी में लाइट वगैरह नहीं आता, सनलाइट बहुत कम देर के लिए या बिल्कुल ही नहीं आता, तो ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता है उन जगहों में। मेरे यहाँ तो ट्री के नीचे है, बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आता, बस ब्राइट लाइट में ये अच्छे से ग्रो कर रहा है और फ्लावरिंग भी कर रहा है। वाटरिंग की बात करें तो हर रोज़ पानी देना चाहिए। अगर आप हर रोज़ पानी नहीं दे सकते तो कोकोपीट और थोड़ा 10% से बढ़ाकर 20% कर सकते हैं। गार्डन सॉइल 60%, 20% कोकोपीट और 20% रेत मिलाकर आप रख सकते हैं इस प्लांट को। अगर आप पानी नहीं दोगे तो ये प्लांट स्ट्रेस में जा सकता है, तो पानी का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। बाय।